अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th कंप्यूटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें ताकि इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो आपको अच्छे से समझ लग सके। अच्छा तो स्टूडेंट्स जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 4 क्लास 9th का, ठीक है, कंप्यूटर का, और उस पेज नंबर 107 है और चैप्टर नंबर 5 है। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज के जो हमारे मेजर टॉपिक है ना इस वीडियो से रिलेटेड वो बेसिकली एडिंग एन इमेज है, अप्लाइंग बैकग्राउंड है या अप्लाइंग फॉरग्राउंड है या हमारे पास आता है असाइनिंग बैकग्राउंड, सही है। तो बेटा अब ये चीज़ें हैं क्या बेसिकली HTML में ना इन चीज़ों का काम ये होता है कि हम जो भी हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है ना उसको हमने किस तरह कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ हमारे पास मतलब इन टैग्स के अंदर या अपना बैकग्राउंड या इमेज वगैरह के अंदर आती है। मतलब ये है कि हम अपना बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं या उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या रखना चाहते हैं या हमने जो भी क्लिक करना है वो क्लिक किसी टेक्स्ट के ऊपर करके हम दूसरे पाथ पे जा सकते हैं या मतलब किसी इमेज पे क्लिक करके हम दूसरे पाथ पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड ना कुछ मेजर चीज़ें हैं लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसमें भी कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिंग एन इमेज। तो बेटा अगर मैं इमेज को एडिंग एन इमेज की बात करूं तो सिंपल इमेज को अपने HTML के पेज पे हमने किस तरह ऐड करना है। तो बेटा इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम टैग कौन सा लगाते हैं, हम सबसे पहले टैग लगाते हैं इमेज का, ठीक है। इमेज का टैग एक सिंगल टैग होता है, इसको सिंगुलर टैग बोलते हैं, और उसमें हम अपनी इमेज का जो सोर्स होता है ना वो डालते हैं। मींस के हमने अपने कंप्यूटर के अंदर जो इमेज है उसका पाथ सेट करना होता है, उसका पाथ बेसिकली सोर्स बोलते हैं इसको भी के सोर्स। और बेटा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके सामने ये चीज़ लिखी हुई है ना इसको हम बोलते हैं URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि इमेज का जो पाथ है वो कहाँ से आया है, इमेज को कहाँ से उठाना है। बेसिकली जो भी इमेज लगी नहीं हम डायरेक्ट इमेज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हम इमेज का लिंक सेट करते हैं। तो इमेज का लिंक जो है बेटा वो सोर्स के अंदर से हम सेट कर रहे होते हैं, उसके बाद हम इमेज की विड्थ भी सेट करते हैं, हम इमेज की हाइट भी सेट करते हैं, हम इमेज अगर शो ना हो रहा हो तो उसके नीचे क्या लिखा हो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। मतलब ये कि अगर मैं इतनी चीज़ को उसका पास सेट करके जब HTML को नोटपैड पे लिखूंगा और सेव करूंगा और सेव करने के बाद जब मैं उसको मतलब रनिंग पोजीशन पे लेकर आऊंगा अपनी सर्च इंजन के ऊपर तो बेटा ये हमारे पास ये चीज़ आएगी आपका मतलब ये सपोज कर लो कि गूगल क्रोम है, सही है, उसके ऊपर बेटा ये इमेज का ऐसे साइन नज़र आ रहा होगा, सही है। तो ये चीज़ इमेज की विड्थ हाइट हर एक चीज़ सेट हो रही होगी। अगर यहाँ पे इमेज नहीं ना इमेज नहीं होगी तो उसके ऊपर बेटा जो भी आपने इमेज का अल्टरनेट सेट किया यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा क्लिक हेयर, ये उसका अल्टरनेट होता है कि इमेज ना शो हो रही हो तो हमें पता लग सके कि हमारी इमेज कहाँ पर लग रही है या कहाँ पर लग रही है और लगी नहीं है, तो ये उसका अल्टरनेट होता है। तो इस तरह मतलब हम अपने HTML के अंदर इमेज को इस तरह ऐड कर रहे होते हैं, हम जहाँ मर्जी रख के बेटा जहाँ हमारा HTML कोड होगा हम वहाँ रख के इमेज को सेट कर सकते हैं। और हम इमेज को अपने मतलब काफ़ी जैसे बेटा आप OLX की ही बात करते हो आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट सामने नज़र आ रही होती है, कोई कार की या मोबाइल की जो सेलिंग या परचेजिंग हो रही होती है और आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होती है, बट वो सारी की सारी HTML के अंदर ही हो रही होती है। देखा नहीं आपने वो ब्लॉक्स के अंदर इस तरह पिक्चर्स लगी होती हैं, इट्स मीन्स कि उनका बॉर्डर उनकी विड्थ और हाइट हर एक चीज़ पहले से सेट होती है, बस उसमें इमेज का पास सेट कर रहे होते हैं हम। तो वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है HTML एन या वो कहलाता है एडिंग एन इमेज, सही। इसी तरह बेटा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आगे आता है अप्लाइंग बैकग्राउंड। अगर मैं तो बेटा हम अगर अप्लाइंग बैकग्राउंड और अप्लाइंग फोरग्राउंड अगर इन दोनों को मर्ज करें ना तो इनको मर्ज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मतलब आउटपुट किस तरह क्रिएट होती है, मतलब क्रोम के ऊपर वो चीज़ किस तरह मतलब दिखाई देती है। तो बेटा अगर हम अप्लाइंग बैकग्राउंड की बात करें ना तो वो चीज़ आती है हमारे पास इस तरह सारी की सारी ग्रीन, ठीक है, जो मतलब हमारा बैकग्राउंड कलर होता है, और उसके ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो होता है अप्लाइंग फोरग्राउंड। जैसे कि मैंने वो उसके ऊपर वो टेक्स्ट लिखा आई लव पाकिस्तान, ठीक है। तो बेटा इसमें जो आपका बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन था और उसको बैग इसमें से उसको बोलते हैं अप्लाइंग बैकग्राउंड, और बेटा जो ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा वो था अप्लाइंग फोरग्राउंड जो बेसिकली क्या था आई लव
पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह मतलब हमारी ये आउटपुट इस तरह वर्क करती है। बैकग्राउंड कलर में आप जस्ट बैकग्राउंड कलर ही रख सकते हैं और फोरग्राउंड में आप जस्ट टेक्स्ट के कलर को ही सेट कर सकते हैं। इसके अब फर्दर अगर हम चलें तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक असाइन बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज की बात करूँ ना बेटा, तो उसमें हमारे पास ये आता है कि हमारे पास अगर हम बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना चाहते तो हम उसकी जगह बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे आपको मैंने बताया ये बैकग्राउंड का, ये व्हाइट बोर्ड के बैकग्राउंड का कलर क्या वाइट है, सही। इसी तरह अगर बेटा ये जो व्हाइट बोर्ड का जो कलर वाइट है ना, इसकी जगह चाहो तो कोई एक इमेज लगा लो और अपना सारा का सारा टेक्स्ट उस इमेज के ऊपर लिखो। जैसा कि बेटा अक्सर आप मोबाइल में एडिटिंग भी करते हो अपनी इमेज के ऊपर, अपना टेक्स्ट या कोई ऐसे कैप्शन वगैरह लिख देते हो, सही है। तो यही चीज़ हमारे पास मतलब इधर एचटीएमएल के अंदर भी होती है। हम मतलब अपना इस तरह बैकग्राउंड हमारे पास सेट होता है, सही है। उसके अंदर हम इमेज का जैसे बॉडी का, ये बेटा वही पेयर टैग, बॉडी का टैग ओपन, टैग क्लोज, उसके अंदर हमने लिखना होता है बैकग्राउंड, ना के बीजी। ये तो लिखा हुआ था बीजी कलर, वो कलर को सेट करता है। यहाँ आपने लिखना है बैकग्राउंड और अपनी इमेज का पाथ सेट करना है, जिसको बेटा मैंने यहाँ पे बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब सोर्स सेट किया था ना हमने, इसी तरह बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली उसका सोर्स सेट करेगा। और आपने वहाँ पे अपनी इमेज का पाथ देना है और जैसे इमेज का पाथ दोगे उसको रन करोगे तो बेटा आपके सामने इमेज सेट हो जाएगी। वो आपकी मर्जी है कि इमेज को साइज़ क्या देना है, विड्थ क्या देनी, हाइट क्या देना है, ठीक है, या बॉर्डर लगाने के नहीं लगाने। तो इस तरह आपकी बेटा बैकग्राउंड इमेज भी सेट हो जाएगी। तो बेटा ये वैसे आज का सारा टॉपिक था, इसमें हमने एडिंग एन इमेज, अप्लाइंग बैकग्राउंड, अप्लाइंग फोरग्राउंड और असाइन बैकग्राउंड इमेज पढ़ा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो दो एक पेज के ऊपर रहते हुए मतलब किस तरह वो कोड किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक करता है, या किस तरह बेटा एक ही पेज के ऊपर रहते हुए हम एक पेज से या एक लिंक से दूसरे लिंक में किस तरह मूव करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। और इस वीडियो को बेटा आप वॉच अच्छे से करना, फिर भी कोई क्यूरीज वगैरह आपको समझ ना लगे तो बुक्स से मतलब रिलेट कर लेना, बुक से रिवीजन देख लेना एक दफ़ा उसकी, फिर भी कोई इशू हो तो बेटा आप स्कूल में आके मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, जब आपका स्कूल ओपन होता है आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो। तो बेटा बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।